नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रई नौमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 71,000 व्यक्तियों को कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री उन उम्मीदवारों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर होगा। केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये भर्तियां की जा रही है। देश भर से चुने गए इन व्यक्तियों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाएगा। इनमें शामिल है ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट्स क्लर्क, सहायक अनुभाग अधिकारी, कर सहायक निरीक्षक, नर्सिंग अधिकारी, प्रधानाचार्य और असिस्टेंट प्रोफेसर। लोअर सुबनसिरी जिले में शनिवार को चलाए गए सामूहिक वृक्षारोपण अभियान के दौरान NH-13 के किनारे 1,00,000 से अधिक फूलों के पौधे लगाए गए। अभियान में छात्रों, पंचायती प्रतिनिधियों, गांव बूढ़ा, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों, CBO, ग्रामीणों, बाजार समिति के सदस्यों, सरकारी कर्मचारियों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के 3,000 से अधिक लोगों ने सीबे में जीरो पुलिस चेक गेट के एंट्री पॉइंट से शुरू होकर पाइन ग्रुप तक ऑर्नामेंटल कॉस्मोस फूलों के पौधे लगाए। 13 रेरू कालुंग के जिला परिषद सदस्य सुबुलेंतो द्वारा स्वच्छ और हरित जीरो की ओर उद्देश्य के साथ शुरू किए गए सामूहिक पुष्पारोपण अभियान का उद्देश्य हर एक पौधा एक है था। पुष्पारोपण अभियान में स्थानीय विधायक तागे ताकी, विधायक न्यातो दुकम, लोअर सुबनसिरी जिला उपायुक्त बामिन निमे और पूर्व मंत्री पादी रिचो ने भी भाग लिया। इस दौरान जिला उपायुक्त बामिन निमे ने लगाए गए फूलों की देखभाल और रख रखाव के लिए अपनी खुली निधि से 2,00,000 रुपए देने की घोषणा भी की। मीडिया की भूमिका के दुरुपयोग को रोकने और किसी भी कोने से बंद की घोषणा पर अपनी चिंता जताते हुए अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया संघ ने रविवार को अरुणाचल प्रेस क्लब में अपने गैर संबद्ध सदस्यों के साथ एक संयुक्त बैठक की। बैठक में राजधानी क्षेत्र के 13 गैर संबद्ध और 14 संबद्ध मीडिया हाउसेस ने भाग लिया। सभा को संबोधित करते हुए AEDMA के अध्यक्ष तोको तागम ने बंद की घोषणा, विशेष रूप से राजधानी क्षेत्र में बंद के संबंध में अरुणाचल प्रेस क्लब के निर्धारित मानदंडों के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों से सनसनीखेज से दूर रहने और किसी भी समाचार को प्रकाशित करने से पहले अपने स्रोतों को सत्यापित करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि AEDMA किसी भी संगठन या NGO के खिलाफ नहीं है, लेकिन APC में पहले से ही एक है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कोई भी बंद भले ही अवैध हो प्रेस क्लब में घोषित किया जाना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश की स्केटर नानी सोनम को 19वीं एशियाई खेल 2022 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। अरुणाचल प्रदेश स्केटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष तायुक सोनम ने बताया कि सोनम चीन में होने वाले खेलों के लिए चुनी गई 4 महिला स्केटर्स में से एक है। 3 अन्य स्केटर्स से महाराष्ट्र की उर्मिला पदापले, दिल्ली की आद्या अदिति और कर्नाटक की ध्रुवी लखोतिया। कुमारी सोनम 60वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप 2022 के स्वर्ण पदक विजेता है। कानुवारी विधायक गैब्रियल डी वांगसू ने रविवार को वानू गांव में ऑल वानू छात्र संघ द्वारा आयोजित सामूहिक स्वच्छता सह वृक्षारोपण अभियान में महिलाओं और युवाओं के साथ भाग लिया। इस अभियान में विधायक के साथ विभिन्न विभाग अध्यक्ष को लोंगडिंग जिला छात्र संघ के अध्यक्ष तिंको वांगसू और अन्य लोगों ने गाँव के विभिन्न स्थानों और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे कई प्रजातियों के लगभग 200 पौधे लगाए। बोरदुमसा पुलिस और 186 बटालियन CRPF के एक संयुक्त दल ने शनिवार को चांगलांग जिले के बोरदुमसा अंचल के बिजोईपुर एक इलाके में छापे मारकर संदिग्ध हेरोइन के साथ एक ड्रग पैडलर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान बोरदुमसा सर्कल के तहत बिजोईपुर एक के निवासी जोश आनंद चकमा के रूप में की गई है। चांगलांग जिला पुलिस अधीक्षक मिहिन गांबो ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार ड्रग पैडलर के कब्जे से लगभग 207 ग्राम की संदिग्ध हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल हैंडसेट और 12,830 रुपए भी जब्त किए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।